Hey guys, तो आज हम लोग बताएंगे जो Yamaha R1M इसका जो 2023 का जो मॉडल है भाई, सच बोल लो भाई बहुत ज्यादा खतरनाक वाला लुक आ रहा है। तो ऑब्वियसली गाइस सब लोग यार कमेंट करके बताओ इसका जो लुक कैसा लग रहा है, आप लोगों को कैसा लग रहा है ऑब्वियसली भाई कमेंट करके बता दो। सो गाइस आज हम लोग बताएंगे Yamaha R1 के अंदर क्या कुछ तुम लोगों को चेंजेस देखने को मिले 2023 के मॉडल के अंदर, बाइक के अंदर भाई क्या कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा। जैसे तुम लोगों इसका मीटर चेंजेस देखने को मिलेगा, तुम लोगों बहुत कुछ टॉप स्पीड माइलेज प्राइस सब कुछ बताएंगे, पूरा फुल रिव्यू करेंगे। तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को बनना हो तो ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब करो। चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मैंने बहुत सारा बंदा ऐसे देखा जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं बट यहाँ पे गाइस वीडियो रेगुलर देखते, तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के पास शेयर करो, क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए गाइस बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। और आपका ड्रीम बाइक कौन सा है जल्दी जल्दी भाई कमेंट करके बता दो। सो गाइस अभी आप लोग बताएंगे इसके इंजन कैपेसिटी को लेकर 998 cc लिक्विड कूल 4 वाल्व का इंजन देखने को मिलेगा। साथ में आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स एंड यहाँ पे स्लीपर क्लास देखने को मिलेगा। और 6 स्पीड गियर होने के बाद भी इसके अंदर क्विक शिफ्टर, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीली कंट्रोल बहुत सारा कुछ मिलेगा, आगे जाके मैं तुम लोगों को बताऊंगा। तो BHP देखने को मिलेगा 205 BHP। पहले जब मॉडल था R1M तो उसके अंदर भाई 200 BHP यूज किया, तो अभी तुम लोगों को 205 BHP और थोड़ा सा 5 BHP यहाँ पे ज्यादा हो गया। और सिलेंडर का बात करके यहाँ पे गाइस 4 सिलेंडर देखने को मिलेगा। और बाइक का वेट का बारे में बात करके तो बाइक का वेट आप लोगों को 202 kg, तो गाइस पहले से भाई थोड़ा सा हल्का हो गया, क्योंकि पहले 210 kg था R1M, अभी गाइस 202 kg हो गया। तो इसके बाद तुम्हारा इनिशियन पिकअप एंड टॉप स्पीड बहुत ज्यादा अच्छा खासा खूबसूरत देखने को मिलेगा। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी का बात करेंगे तो पहले तुम लोग को 60 लीटर देखने को मिलता है, अभी तुम लोग को 70 लीटर देखने को मिलेगा फ्यूल टैंक कैपेसिटी। इसके वजह से तुम लोग को बहुत कुछ लॉन्ग राइड तुम लोग भाई जा पाओगे, क्योंकि 1 लीटर आप लोगों यहाँ पे ज्यादा हो गया। अभी आप लोग इस बात करेंगे ब्रेकिंग कंट्रोल को लेकर, यहाँ पे डुअल चैनल ABS में सुपर मोटो एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम, तो इसके वजह से ब्रेकिंग कंट्रोल तो भाई बहुत बहुत बढ़िया जबरदस्त हो रहा है। यहाँ पे सामने आप लोग को डबल डिस्क देखने को मिलेगा, पीछे आप लोग को सिंगल डिस्क, बट यहाँ पे ब्रेकिंग कंट्रोल आप लोग को बहुत अच्छा देखने को मिलेगा पहले से। तो अभी हम लोग बात करेंगे बाइक का टॉप स्पीड, बाइक का 299 टॉप स्पीड, क्योंकि ये इंडिया का रोड लीगल बाइक है, रोड लीगल बाइक के अंदर 299 देगा। और ये R1M का अगर तू पावर अनलॉक करके ट्रैक रोड के अंदर चलाओगे तो 310-320 ऐसी स्पीड आ जाएगा, बट इसके अंदर भाई पावर लॉक है, इसलिए भाई तुम लोग को जितने जोर भागाओगे भाई एक्सेलेरेटर फुल दबा दोगे 299 ही शो करेगा, क्योंकि R1M के अंदर भाई 5 गियर के अंदर भाई 299 मार देता है। कितना ज्यादा खूबसूरत और कितना ज्यादा पावरफुल बाइक है आप लोग तो जानते हो Yamaha R1M। और ये बाइक तुम लोग 0-100 पका लेगा सिर्फ और सिर्फ 2.7 सेकंड के अंदर, आप लोगों 0-100 पकड़ लेगा ये बाइक। और डिस्क का साइज का बात करें तो सामने का 320 mm डिस्क का साइज देखने को मिलेगा, रियर आप लोगों 220 mm। तो ब्रेकिंग कंट्रोल तो भाई पहले से बहुत ज्यादा अच्छा हो गया। और अभी तो R1M का ब्रेकिंग कंट्रोल तो भाई ऐसे भाई मत पूछो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अच्छा वाला ब्रेकिंग कंट्रोल दे रहा है। ये जापानी कंपनी है, जापानी जितना सारा कंपनी का ब्रांड है, हर ब्रांड यहाँ पे जापानी कंपनी का भी धोखा नहीं देता है किसी को। तो अभी हम लोग बताएंगे टायर साइज को लेकर, यहाँ पे सामने आप लोग फ्रंट टायर 120x70x17 देखने को मिलेगा, रियर टायर 190x55x17 देखने को मिलेगा। टायर साइज आप लोगों को पहले जैसे सेम टू सेम देखने को मिलेगा। बाइक के अंदर क्या कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा वो भी हम लोग बताएंगे। और यहाँ पे गाइस डुअल पावरफुल LED हेडलाइट प्रोजेक्टर लैंप देखने को मिलेगा, मतलब ब्रेकिंग कंट्रोल तो भाई बहुत अच्छे, साथ में लाइट कंट्रोल भी आप लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा। लाइट का जो कैपेसिटी है ये पहले से भाई और भी भाई खतरनाक तरीके से कर दिया, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल हेडलाइट आप लोगों को देखने को मिलेगा। और साथ में यहाँ पे साइड इंडिकेटर भी आप लोगों को LED देखने को मिलेगा, पीछे का टेल लाइट भी LED देखने को मिलेगा। और मीटर कैपेसिटी का बात करेंगे तो R5 R1M के अंदर जो मीटर यूज होता है सेम टू सेम आप लोगों को वही मीटर देखने को मिलेगा, थोड़ा कुछ यार चेंजेस देखने को मिलेगा और यहाँ पे कुछ नहीं है। मोलर डिस्प्ले के अंदर भाई जैसे तुम्हारे स्क्रीन दिखाता है R1M और BMW S1000, ये तो दोनों बाइक है, दोनों बाइक का मीटर भाई मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगा। रिसेंटली भाई ZX Trainer एंड Z900 के अंदर भी दे दिया, बट उससे भी बढ़िया BMW एंड R1M के अंदर इसका जो मीटर है ना बहुत बढ़िया मेरे को अच्छा लगता है। गाइस यहाँ पे R1M का जो सबसे बड़ी जो मेन जो खूबसूरत चीज है वो इसका सिल्वर कलर है। भाई दुनिया के अंदर भाई वर्ल्ड के अंदर ऐसा कोई बाइक नहीं है क्या तुम लोग सिल्वर कलर, एक है R15M और एक है R1M, तो ये जो दोनों बाइक है ना एकदम सारे बाइक अलग बाइक, क्योंकि ब्लैक बाइक देखने को मिलेगा, रेड बाइक देखने को मिलेगा, रेड कलर तो सारे कलर तुम लोगों को देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे गाइस सिल्वर कलर तुम लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। तो पहले कोई ऐसा कोई बाइक है जिसके अंदर भाई तुम लोगों को सिल्वर कलर देखने को मिलेगा R15M और R1 के अंदर देखने को मिलेगा। तो अभी हम लोग बात की इसका फैसिलिटी क्या देखने को, फैसिलिटी क्या था जैसे भाई क्विक शिफ्टर देखने को मिलेगा, ट्रैक्शन कंट्रोल देखने को मिला, व्हीली कंट्रोल देखने को मिलेगा, और भी तुम लोगों को बहुत सारे कुछ। सामने आप लोगों को USB फॉक्स होता है, अपसाइड डाउन फॉक्स यूज होगा, और साथ में इसका जो कंट्रोल है ना इसका भाई सेंसर की मदद से ऑटोमेटिक कंट्रोल, जैसे भाई सामने अगर खराब रोड आ जाएगा तो ये सॉफ्ट हो जाएगा, और सामने अगर अच्छा रोड आ जाएगा तो ये भाई हार्ड हो जाएगा। तो मतलब ऐसा कोई सिस्टम है सेंसर की मदद से ऑटोमेटिक ये भाई कंट्रोल होगा, जैसे BMW X1000 R1 एंड ZX Trainer के अंदर भी अभी तो रिसेंटली भाई नया भाई नहीं होता है। गाइस इसका जो मेन जो बात है प्राइस कितना हो सकता है, गाइस प्राइस इसका 35 लाख प्राइस है। तो भाई बहुत ज्यादा बंदा गाइस सुन के यार पागल हो जाएगा, बहुत ज्यादा बंदा सुन के शॉक हो जाएगा। तो भाई हाँ भाई R1M का जो प्राइस है इसका प्राइस है 35 लाख। तो
भाई ये वांटेड प्राइस अगर जाएगा तो अराउंड पकड़ लो 37 से 38 लाख भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बाइक का लुक कैसे लग रहा है ऑब्वियसली भाई कमेंट करके बताओ। और ये भाई सच बोल रहा हूँ भाई, मिडिल क्लास फैमिली के लिए नहीं है ये भाई, करोड़पति के लिए है, जो तो बंदा बिजनेसमैन है उसीलिए भाई ये बाइक है। हम लोग के लिए गरीब बंदा के लिए ये बाइक नहीं है भाई। ठीक है, आप लोगों को भाई ड्रीम बाइक है इसलिए भाई हम लोग तो भाई वीडियो तो देखने को तो मना तो नहीं कर सकते ना, इसलिए मैंने तुमको रिव्यू दे दिया। ये वीडियो देख के भाई कैसे लग रहा है ऑब्वियसली कमेंट करके बताओ। आर और एम बाइक किसका इसका ड्रीम है भी हम लोग बताओ भाई। मेरा तो भाई कोई भी एक सुपर बाइक ही ड्रीम है, तुम लोगों को भाई कौन सा बाइक ड्रीम है ऑब्वियसली भाई कमेंट करके बता दो। और अभी हम लोग बात करेंगे लॉन्च डेट, तो लॉन्च डेट गाइस 2023 का ये मॉडल है ऑब्वियसली गाइस आरन एम जो शोरूम है, जो यामा जो शोरूम है आरन एम, ये शोरूम के अंदर ऑलरेडी भाई आ चुका है। बट हम लोग के लिए भाई टेस्ट राइड नहीं मिलेगा, जो भाई करोड़पति जो भाई आदमी है ज्यादा सुपर बाइक है पहले से एक दो भाई सुपर बाइक है उसको तो भाई फ्री में मिलेगा टेस्ट राइड, बट हम लोग को नहीं मिलेगा। तो गाइस ये बाइक को वीडियो देख के आप लोगों को कैसे लगा ऑब्वियसली गाइस कमेंट करके बता दो। सो गाइस चलो आज का वीडियो कैसे लगा ऑब्वियसली सब लोग कमेंट करके बता दो। आपने दोस्तों के पास ये वीडियो को प्लीज यार शेयर कर दो, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है ये वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो चलो आज का वीडियो इतना ही एंड टाटा, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीक अंदर। तो टाटा बाय बाय।